नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से बिग बॉस सीजन 15 के प्रीमियर एपिसोड यानी कि पहले एपिसोड के बारे में। ये शो रात को 9:30 बजे स्टार्ट हुआ और लगभग 12:15 तक ये शो चला। तो इस शो के जो 16 कंटेस्टेंट है वो लगभग रिवील हो गए हैं, और इन 16 कंटेस्टेंट्स में कौन कौन है वो आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। सबसे पहले कंटेस्टेंट है जय भानुशाली, जिन्होंने कई सारे शोज होस्ट करते हुए आपने उन्हें देखा होगा 2009 से लेकर 2020 तक। डांस इंडिया डांस शो उन्होंने होस्ट किया है कई बार, और डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर भी। तो जय भानुशाली को आप एज ए होस्ट काफी अच्छे से जानते होंगे, वो पहले कंटेस्टेंट थे जो बिग बॉस के घर में एंट्री पाए। इसके अलावा सेकेंड जो कंटेस्टेंट थे वो थे कहीं ना कहीं विशाल कोटियन को मैंने कई बार फिल्मों में देखा है, कई बार उन्हें टीवी सीरियल्स में देखा है। एक तरह के कॉमेडियन का रोल उन्हें करते हुए मैंने कई बार देखा, और बहुत वक्त बाद उन्हें यहाँ पर मैं देखा हूँ, और मैं उन्हें चेहरे से पहचान गया क्योंकि बचपन में जो हम सीरियल्स वगैरह देखते थे उसमें वो नजर आते थे कॉमेडी के रोल में, स्पेशली डीडी नेशनल के कई सारे सीरियल में वो नजर आ चुके हैं। तो दिनेश जो कोटियन है, विशाल कोटियन को हमने कई बार देखा है, और उन्होंने जिस तरह से अपनी जर्नी बताई कि वो कैसे सलमान खान को देखकर इंस्पायर हुए हैं, जब 5वीं में वो थे, जब वो 9वीं में थे तो उन्होंने कैसे ब्लैक का टिकट करके अपने पैसे जमा किए थे, और यानी कि जो सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर उसके बाद उसे अपनी स्कूल की फीस भरी थी। तो कई सारी चीजें उन्होंने जो कही उससे सलमान खान कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो गए। और जो तीसरी कंटेस्टेंट है तेजस्वी प्रकाश, मुझे ये इस शो की सबसे क्यूट कंटेस्टेंट लगी, बहुत ही सिंपल सादी नजर आई, और ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ छल नहीं है, और सलमान खान अपने आप खुश हो गए थे उनकी बातों से, और वो काफी ज्यादा प्यारी कंटेस्टेंट मुझे लग रही है। इसके अलावा विधि पांड्या जो है उसे वो थोड़ी लेजी है, थोड़ी आलसी है, उन्हें पांडा का टैग एक तरह का मिल चुका है ऑलरेडी इस शो में एंट्री करते हुए, और ये एक टीवी डेब्यू उन्होंने जो किया था कुछ सीरियल्स वगैरह से किया था, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है विधि पांड्या, बट स्टिल शी हैड डन अ फ्यू ऑफ द रोल्स जैसे कि तुम ऐसे ही रहना या कई सारे जो शोज है किए होंगे। इसके अलावा जो 5वें कंटेस्टेंट जिनका मैं मुझे बताना है वो है सिम्बा नागपाल। तो सिम्बा नागपाल के बारे में ये है कि उन्होंने कुछ रियलिटी शोज किए हैं, और बहुत ज्यादा इसके अलावा उनके बैकलॉग में कुछ है नहीं जिसको लेकर हम ज्यादा बात करें। एंड देन वी हैव द 6th कंटेस्टेंट उमर रियाज, जिनकी अभी तक यही आइडेंटिटी है कि वो आसिम रियाज के भाई है, और यहाँ पर हमने देखा कि उमर रियाज का ईशान सहगल जो कि 7th कंटेस्टेंट है उनसे काफी ज्यादा नोकझोंक हुआ, कुछ कंपटीशन भी कराया सलमान खान ने उमर रियाज और ईशान सहजपाल के साथ, और इन दोनों का थोड़ा बहुत कही सुनी हो गई, और उसके बाद ईशान सहजपाल को डोनल बेस्ट जो कि 8वीं कंटेस्टेंट शो की उनके साथ किसी सुनी जगह पर भेज दिया गया, यानी कि ईशान सहजपाल और डोनल बेस्ट किसी एक जंगल में है, और उसके बाद वो वहां पर कैसे अकेले परेशान है दोनों जन, उस पर ये शो को कहीं ना कहीं अभी रोका गया। उनका आज यानी कल जो एपिसोड होगा 2nd, उसमें पता चलेगा कि डोनल बेस्ट और ईशान सहजपाल के साथ ऐसा क्यों किया बिग बॉस वालों ने। वहीं उमर रियाज के जो भाई थे आसिम रियाज के साथ सलमान खान ने काफी मस्ती हंगामा किया, और यहाँ पे उमर रियाज उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे जितने आसिम रियाज से, और उमर रियाज एक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी है और साथ ही एक मॉडल भी है। इसके बाद इस शो में नजर आई एक सिंगर जिनका नाम है आकाशा, शी लुक सो ब्यूटिफुल, और पंजाब बेस्ड सिंगर है, और उम्मीद करते हैं वो बहुत ज्यादा नाम कमाए। एंड देन वी हैव करण कुंद्रा, टीवी के एक अच्छे खासे एक्टर है, उन्हें ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं, 10-12 सालों से उन्हें टीवी काफी हद तक किया है, कई सारे शोज होस्ट किए हैं, सो ही इज क्वाइट पॉपुलर, और करण कुंद्रा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। एंड देन वी हैव अफसाना खान, और अफसाना खान एक ऐसी कंटेस्टेंट जिसको देखकर मुझे लगता है कि वाकई में ये डिजर्व करती थी। तो अफसाना खान एक पंजाबी सिंगर है, और यार मेरा तितलिया वरगा ये गाना सुना होगा आपने, बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और बहुत ही ज्यादा मुझे उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, और अपने तेवर साफ कर दिए हैं वो बिग बॉस 15 की डॉली बिंद्रा आपने कह सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, माफ करना मेरी मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब एंग्री के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखना ये होगा कि अफसाना खान जो मंगनी तो कर चुकी है और शादी के लिए डैम एक्साइटेड है, और शादी उनके नवंबर में थी वो पोस्टपोन करके आई क्योंकि उनको बिग बॉस में जाना था, तो यहाँ पे अफसाना खान से लोगों को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज शी ऑलरेडी सेड कि वो काफी गुस्से वाली बंदी है। देन वी हैव
मिशा अय्यर, मिशा अय्यर एक कहीं ना कहीं एक फॉर्मर एसो स्पेस कंटेस्टेंट है, स्पेस 12 की विनर भी रह चुकी है। तो मिशा अय्यर एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट नजर आ रही है और वो भी उन्होंने कहा कि वो काफी एंग्री वो भी रहती है, यानी कि मिशा और अफसाना खान इन दोनों ने साफ कह दिया कि वो दोनों गुस्से वाली लड़कियां हैं। एंड देन वी हैव साहिल श्रॉफ जो कि एक पेशे से मॉडल है, इसके अलावा डॉन 2 से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, बहुत ज्यादा खासा चल नहीं पाया और बहुत सीधे साधे सिंपल साधे लगे और सलमान खान उन्हें पकड़ लिए कि भाई ये बंदा किसी को ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लोग इससे ज्यादा परेशान करेंगे। अब यहां तक तो बात सही थी। एंड देन 13th कंटेस्टेंट होने के बाद ये शो को अल्प विराम दे दिया गया, लेकिन कल जो आने वाला है उसमें ये बताया गया है कि प्रतीक सेजपाल, निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी ये बिग बॉस फर्स्ट ओटीटी के कंटेस्टेंट है, ये तीनों झगड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है ये तीनों भी इस बिग बॉस सीजन 15 का हिस्सा है, यानी कि जो हमारे 14 कंटेस्टेंट है प्रतीक सेजपाल, 15 कंटेस्टेंट निशांत भट्ट और 16 कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी है। तो दिव्या अग्रवाल जिनका सुनने में आया था कि वो आएंगी यहां पर बिग बॉस में, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये 16 कंटेस्टेंट जो मैंने आपको बताया ये कन्फर्म्ड है और इस बार कंटेस्टेंट काफी अच्छे लिए गए हैं और शो भी काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगा। शो में कई सारे जो थीम है वो जंगल का ही थीम है, वो थोड़ा थोड़ा ओवरिश लग रहा था, बट स्टिल इट्स ओके थीम। और एक चिंपैंजी बिना मतलब का घूमता इधर उधर रहता है, गोरिल्ला मतलब उसे कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। एंड देन भी हो एक तरह का आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, तो थीम काफी बेहतर है, मेहनत शो में लगी है। सलमान खान एज ए नेचुरल होस्ट ही इज सो गुड, और करण जौहर को देखकर थोड़ा सा अजीब गरीब लग रहा था होस्ट, बट यहाँ पे वापस से सलमान खान ने भागा दौड़ संभाल ली है। तो आपकी क्या राय है बिग बॉस सीजन 15 के प्रीमियर एपिसोड के बारे में, क्योंकि मुझे शो अच्छा लगा, बहुत ज्यादा तो नहीं बट स्टिल इट वॉज ए गुड शो फॉर मी, 3.5 स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5। एंड आपकी क्या राय है इन 16 कंटेस्टेंट्स को लेकर, कौन लगता है स्ट्रांग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे नाम जो बहुत आगे तक जा सकते हैं, जिनमें से शमिता रहेंगी और दूसरे जो कंटेस्टेंट मुझे लग रहा है करण कुंद्रा एंड जय भानुश्री, ये तीनों काफी एंड तक जाएंगे उम्मीद करते हैं। अफकोर्स प्रतीक सेजपाल को टॉप 4 टॉप 5 तक जाने में आसानी होगी, क्योंकि वो उनका एक नेचर जो है गुस्से वाला, उससे लोग ज्यादा पसंद करेंगे। बट स्टिल बाकी कंटेस्टेंट का जैसे अफसाना खान है, कहां तक जाएंगे ये बोल नहीं सकता, बट स्टिल वो अगर आगे तक रहेंगी तो शो में जान जरूर फूकेंगी, जो मुझे लगता है पॉसिबल है। तो ये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के बारे में भी मैंने बता दिया कि कौन कौन हो सकते हैं, आपकी क्या जरूर बताएगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।